हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक एमकेएस में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपके फ़ोन में बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के आप एक या एक से अधिक ईमेल आईडी जो है कैसे चला सकते हैं। आपको इसमें कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मली मैं दिखाऊंगा कि आप अपने फ़ोन के अंदर एक से अधिक ईमेल आईडी है किस तरह चला सकते हैं। तो आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो की तरफ हम चलते हैं और आज की वीडियो के मेन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपका ये जो जीमेल दिखाई दे रहा है, जो आपने जीमेल डाउनलोड किया हुआ है या फिर आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, आपको इस जीमेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ईमेल है वो खुल जाएगा। एक तो ईमेल आईडी वो है जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब हमें दूसरा ईमेल आईडी अगर इस फ़ोन में चलाना हो, तीसरा चलाना हो या फिर अनलिमिटेड जितने भी आपको ईमेल आईडी अगर इसके अंदर चलाने हैं, आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर देखेंगे तो आपका एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप टैप करेंगे। जैसे ऊपर आप टैप करेंगे तो एक ईमेल आईडी जो है आप चला रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। दूसरे ईमेल आईडी को आपको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर जाना है, ऐड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो है आप गूगल का ईमेल आईडी जो जीमेल है वो आप चला सकते हैं, आउटलुक, हॉटमेल, लाइव, याहू या एक्सचेंज 365। ये एक्सचेंज 365 जो है ये नया आया है, बाकी ये तीनों जो है पहले ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो अगर आपके पास जीमेल का ईमेल आईडी है तो आप गूगल पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आउटलुक या आउटलुक हॉटमेल का अगर ईमेल आईडी है तो आप इसके सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास याहू का ईमेल आईडी है तो आप थर्ड वाले पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी हमारे पास जो है वो जीमेल का ईमेल आईडी है तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप गूगल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक छोटा सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डाल देना है सही से। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपसे यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको एग्री करने के लिए बोला जाएगा, आप इसको एग्री कर देंगे। दो तीन सेकंड का कुछ ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे अब दोबारा ये आपका ईमेल आईडी जो है यहाँ पे खुल चुका है पहले वाला। अब आप दोबारा इसको यहाँ पे आप टैप करेंगे, टैप करके देखेंगे तो आपका जो सेकंड वाला ईमेल आईडी है वो देखिए यहाँ पे वो खुल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप अपने सवालों का इंस्टेंट सोल्यूशन या फिर इंस्टेंट जवाब चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, आपको @ उसका आंसर मिलेगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।